ऑटो मोशन में आपने PLC DCS का तो नाम जरूर सुना होगा। इलेक्ट्रिकल बड़ा बड़ा जो प्लांट होता है, फैक्ट्री होता है, बड़ा बड़ा ऑयल प्लांट हो गया, वहाँ पर जो है DCS या PLC सिस्टम लगाया जाता है। लेकिन और भी होता है ऑटोमेशन का, बहुत सारा और भी होता है, जैसे AGL मीन्स होता है या फील्ड ग्राउंड लाइट, जो एयरपोर्ट रनवे लाइट इंस्टॉल किया जाता है उसको ऑटोमेशन में आपका कंट्रोलिंग किया जाता है। एक आपका टावर रहता है और एक आपका वर्क स्टेशन, और पैनल से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये भी ऑटोमेशन, इसके लिए आपका PLC DCS का जरूरत नहीं, इसका अलग सॉफ्टवेयर रहता है, अलग कंट्रोलर रहता है, लेकिन ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन के द्वारा ये ऑपरेट कर सकते हैं। और जैसे मेरा ये अभी काम हो रहा है BMS बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, सीमेंस का आपका दिख रहा है, सीमेंस का लोगो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जितना भी इनपुट आउटपुट मॉडल है सीमेंस का लगा हुआ है, टोटल पैनल आपका सीमेंस का है और मॉडल जितना है ये सीमेंस का है। साथ में जितना भी आपका ऑटोमेशन काम होता है सभी में इथरनेट केबल चाहिए, आपका इथरनेट केबल का बिना कम्युनिकेशन नहीं होता है। यानी कि इथरनेट केबल जो है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन केबल कहते हैं, शॉर्ट नाम लैन केबल, लैन पोर्ट। तो जितना भी आपका मॉडल यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है सभी में आपका मास्टर में एक इनपुट आपका लैन केबल जरूर रहता है, अलग अलग वेंडर का अलग अलग टाइप का दिया हुआ रहता है। तो हमारे यहाँ पर जितना है पैनल आया हुआ है, केबल वायरिंग पूरा हो गया है, उसके बाद पैनल टर्मिनेशन पूरा हुआ, फिर आपका कमीशनिंग सपोर्ट दिया गया है, फिर आपका ऑनलाइन किया गया। तो ये सारा काम पहले तो आपका ट्रे वर्किंग करना होगा, कंडूट है तो कंडूट वर्किंग करना पड़ेगा, उसके बाद जो है उसमें केबल डालना पड़ेगा। केबल कैसे डालेंगे, केबल जैसे ट्रे का है तो आर्मर केबल डाला जाता है, और यदि कंडूट दिया हुआ है तो फ्लेक्सिबल केबल डाला जाता है। तो दोनों में अंतर रहता है, लेकिन केबल वायरिंग कैसे करेंगे, उसके बाद पैनल टर्मिनेशन कैसे करेंगे, और फिर कमीशनिंग सपोर्ट किस तरह से देना है, फिर आप ऑनलाइन कैसे करेंगे, ये सभी वीडियो इस चैनल पर आएगा। लेकिन आज मैं सीमेंस के बारे में पूरा, इस पैनल का किस तरह से मॉडिफाई करके बनाया गया है, चलिए जानते हैं। क्या आपको पता है इस तरह का जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग में हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन जो इंस्टॉल किया जाता है उसमें वॉल माउंट वाला जो एसी होता है उसे क्यों नहीं इंस्टॉल किया जाता, या विंडो वाला जो एसी होता है उसे क्यों नहीं इंस्टॉल किया जाता। वहाँ पर देखिएगा आपका जो पूरा जो है आपका पैकेज यूनिट रहता है, उसके बाद कैसेट यूनिट रहता है, फिर फैन कॉइल यूनिट रहता है, एयर हैंडलिंग यूनिट रहता है, HRW रहता है, CSU रहता है, सीलिंग सस्पेंड यूनिट रहता है, फैन एयर हैंडलिंग यूनिट रहता है। ये तो आपका बिल्डिंग का हो गया, ठीक है। लेकिन इस बिल्डिंग में आपका पाइपलाइन ये भी चाहिए, चिल्ड वाटर पाइपलाइन, यानी कि चिल्लर। तो चिल्लर में आपका बहुत सारा और चीज़ रहता है, चिल्लर आपका रहेगा, फिर कंडेंसर, फिर आपका प्राइमरी सेकेंडरी कूलिंग टावर। तो ये सारा चीज़ रहता है तब आपका पूरा HVAC सिस्टम होता है। तो ये सारा चीज़ को कंट्रोलिंग ऑपरेट करने के लिए ऑटोमेशन में BMS सिस्टम लगाया जाता है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का हमारा इंडिया में कितना वेंडर है, कितना का आप नाम जान सकते हैं ये बताइए। लास्ट में इसका आंसर मैं दे दूं। सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए DDC पैनल इंस्टॉल किया जाता है, डिजिटल डायरेक्ट कंट्रोलर। डिजिटल डायरेक्ट कंट्रोलर में हमारा इनपुट आउटपुट मॉडल लगाया जाता है। तो इनपुट आउटपुट मॉडल हमारे यहाँ पर देख लीजिए आपका, मास्टर का बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मॉडल लगाया गया। साथ में आपका 24 वोल्ट ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, 2 SMPS आपका, 1 दिया हुआ है 24 वोल्ट DC। उसके बाद आपका टर्मिनल ब्लॉक आपका बहुत दिया हुआ है, 3 आपका 4 दिया हुआ है आपका UPS पावर सप्लाई कनेक्शन करने के लिए। डबल पुल का MCB दिया हुआ 2 और सिंगल पुल का आपका 2 दिया। उसके बाद नीचे हमारा जो है टर्मिनल ब्लॉक बहुत सारा दिया हुआ है। तो इस तरीके का काम यदि आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, जैसे मैं नया नया यूट्यूब पर आया हूँ, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस अगर बात करें तो कम से कम 8-10 साल मेरा ऑटोमेशन का काम किया हुआ है, और इलेक्ट्रिकल वीडियो बहुत सारा आपने देखा होगा डाला हुआ है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। डोमेस्टिक हाउस वायरिंग कैसे किया जाता है, फील्ड में जब हम बड़ा बड़ा स्टेट में काम करने जाते हैं, मेट्रो सिटी में, तब हम BMS का काम करते हैं, BMS XSPA डाटा नेटवर्क ये सब काम करते हैं, NCS हो गया, LCS हो गया, AGL का काम किया हूँ, ये सभी का मेरा पास नॉलेज है, ठीक है। तो ये नॉलेज यदि आप चाहते हैं, आपको सिखाना चाहता हूँ, तो आपको थोड़ा मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी YouTube पर नया हूँ, तो मेरा पास कुछ इस तरह का व्यवस्था नहीं है कि मैं सारा चीज़ मॉनिटर वगैरह या ड्राइंग कुछ एडिट करके ग्राफिक्स बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ के लिए पैसा का थोड़ा जरूरत पड़ेगा। आपका जो ऑटोमेशन पैनल फील्ड में जो यूनिट रहेगा, HVAC को कंट्रोल किया जाता है, HVAC एयर हैंडलिंग यूनिट, HRW हो गया, CSU हो गया, FCA हो गया, कैसेट यूनिट हो गया, पैकेज यूनिट हो गया, तो सारा चीज़ को ग्राफिक्स डिजाइन बनाया जाता है, ग्राफिक्स डिजाइन के माध्यम से आपको सारा चीज़ शो होता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा गूगल पे का नंबर आपका स्क्रीन पे जैसे शो हो रहा है, तो वहाँ पर आप जितना कम से कम हो सके तो सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, टेलीग्राम दिया हुआ है, ट्विटर लिंक दिया हुआ है, कहीं से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन का पूरा आपका वायरिंग टर्मिनेशन, पैनल टर्मिनेशन, आयो सामारी, उसके बाद कमीशनिंग सपोर्ट, उसके बाद ऑनलाइन कैसे किया जाता है, ये सभी जानकारी देंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तब इस तरह का प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे, और किस तरह से यहाँ पर कनेक्शन वगैरह जो पैनल को किया जाता है, सारा चीज़ ऑल टोटल आपका वायरिंग से लेके आपका ऑनलाइन तक कैसे किया जाता है, काम भी कैसे कर रहा है, ये भी इसमें आपका जैसे वायरिंग का तो जरूरत है, साथ में आपका ऑपरेटर का भी जरूरत है, BMS ऑपरेटर, इसका भी सैलरी काफ़ी अच्छा है, इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, देख लीजिए मेरा पूरा वीडियो, उसके बाद कुछ आपको नॉलेज मिलता है सीखने के लिए कि ये बंदा जो है आपको सिखा सकता है कुछ, तब उसको सपोर्ट कीजिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा DDC पैनल है, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, ये जैसे हमारा DDC पैनल है, डिजिटल डायरेक्ट कंट्रोलर, DDC का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये BMS के लिए इस्तेमाल किया जाता है, BMS पैनल कहा जाता है। BMS में आपका जैसे ये सीमेंस का है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मॉडल है, क्या क्या टर्मिनल है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ। तो सबसे पहले देखिए, इसे मैं जूम करता हूँ, जूम करने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड में आपका जो ट्रांसफार्मर 234 और 24 वोल्ट, 230 इनपुट लेगा, 24 वोल्ट आउटपुट देगा।
और उसके बाद ट्रांसफार्मर और एक है 230 24 वोल्ट, दो आपका ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। डीडीसी पैनल में 24 वोल्ट एसी पावर सप्लाई से आपका जो इनपुट आउटपुट मॉडल है उसे पावर देना पड़ता है, कंट्रोलिंग के लिए उसमें पावर देना पड़ता है आपका 24 वोल्ट एसी। और उसके बाद यहाँ पर 6 एम्पीयर का एसएमपीएस और एक दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर यूपीएस पावर सप्लाई आएगा, अर्थ न्यूट्रल लाइन, अर्थ न्यूट्रल लाइन, अर्थ न्यूट्रल लाइन, इस तरह से आपका 3 पोर्ट दिया हुआ, ठीक है। एएमसी भी है, उसके बाद और एक डीपीएमसी भी, फिर आपका एसपीएमसी भी, फिर आपका एसपीएमसी भी दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है आपका 04 4A 4B 4C 5A 5B 5 05 5D 4E 4F 5C 5D, ये टर्मिनल ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। आप चलिए चलिए नीचे का यहाँ पर हम लोग का जितना आयो मॉडल है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो आयो मॉडल यहाँ पर देख लीजिए आपका PXC 100ED, ये आपका मॉडल है। उसके बाद और जो है मॉडल दिया हुआ है आपका बगल में 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है, ठीक है। 8 आपका दिया हुआ है मॉडल, और तो 8 तक आपका लास्ट मॉडल हो गया। तो मॉडल के बाद आपका नीचे में चलते हैं, नीचे में आपका टर्मिनल ब्लॉक दिया हुआ है, टीवी इसे कहते हैं। तो आपका टर्मिनल ब्लॉक में जैसे आपका लिखा हुआ है डिजिटल इनपुट जो है ये आपका ग्रीन कलर है, उसके बाद थोड़ा जो पिंक कलर का है ये भी आपका डिजिटल इनपुट है। मॉडल नंबर आपका दिया हुआ TXM आपका 16D7, TXM आपका 16D8, ये आपका दोनों जो है डिजिटल इनपुट है। उसका नीचे में और दिया हुआ यहाँ पर देखिए जो है लेफ्ट साइड से, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और जूम करता हूँ मैं, यहाँ पर जो है -VE उसके बाद +VE, ये आपका 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई टर्मिनल ब्लॉक्स है, ठीक है। ये आपका डीसी पावर सप्लाई 24 वोल्ट। उसके बाद क्या है आपका G और GO, जी हो गया प्लस और जीओ हो गया माइनस, ठीक है। ये 24 वोल्ट एसी पावर सप्लाई देगा, 24 वोल्ट क्वेश्चन सर में आपका एसी पावर सप्लाई चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। उसका बगल में देख लीजिए UIO यूनिवर्सल इनपुट आउटपुट, आपका मॉडल नंबर दिया हुआ TXM आपका 1.8X1, उसके बाद 2 दिया हुआ, ये भी आपका यूनिवर्सल इनपुट आउटपुट, सेम आपका दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 6 हो गया, और लास्ट में आपका DI इनपुट है जो आपका TXM आपका 16D, ये DI पॉइंट है। तो बायां तरफ जितना है ये आपका इनपुट आउटपुट है और ये जो है DI है डिजिटल इनपुट, ठीक है। तो ये पैनल का पूरा आपका डिटेल्स दे दिया हूँ, पैनल में क्या क्या है हमारा ये डिटेल्स आपको पूरा जानकारी दे दिया हूँ, ठीक है, आपको देखने से पता चल जा रहा है। और माउंटिंग प्लेट वगैरह पैनल का साइज देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 955 × 955 × 3.0 यानी कि 300 का है, 955 और इधर से 300 दिया तो 3.0 लिखा हुआ है। आप चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हमारा डिटेल्स लार्जन एंड ट्रूवो, और यहाँ पर लोकेशन भी आपको दिखा देता हूँ, केम्पागड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंक, बहुत सारा क्या क्या जो है इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक एक चीज को मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, साइड व्यू राइट एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। उसका नोट वगैरह सारा दिया हुआ, ये पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। फिर आपका उसका नीचे में देख लीजिए केबल कलर दिया हुआ, तो केबल कलर भी आप देख लीजिए, यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ना है तो इसे भी पढ़ सकते हैं। फिर इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर पैनल का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है क्या क्या है, मैक रिटल ये डीटीसी पैनल में आपका ये मार्किंग दिया हुआ था, मॉडल मटेरियल क्या क्या है ये सारा चीज दिया हुआ है, सरफेस ये सब आप पढ़ सकते हैं, जरूरत है तो पढ़िए क्योंकि ज्यादा टाइम इसमें लग जाएगा। और हमारा जो बिल मटेरियल क्या क्या है यहाँ पर ये सब देख लीजिए, बिल मटेरियल है, ठीक है। पैनल साइज हो गया, क्या क्या डिवाइस हमारा इंस्टॉल है आपका, टर्मिनल ब्लॉक हो गया, डिंडल हो गया, डीडीसी हो गया, क्लैंप हो गया, पावर सप्लाई एसी डीसी जो है ये सारा डिटेल्स बिल मटेरियल में लिख दिया है, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं हम एंड प्लेट है आपका जो है बॉटम व्यू, ठीक है। तो डबल टाइप का यहाँ पर रहेगा, दो आपका देख लीजिए 4 4 8 8 16 टाइप का आपका ग्लैंड होगा, 16 इधर और इधर भी 16 32 आपका ग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। और नीचे चलते हैं, नीचे में आपका डिटेल्स और दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा आपको समझने के लिए दिमाग चाहिए। यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड अगर बात करते हैं, सबसे पहले हमारा जो यूपीएस आपका डीबी से आएगा लाइट न्यूट्रल अर्थिंग, ठीक है, लाइट न्यूट्रल अर्थिंग आ गया, आएगा 1 2 3 में जाएगा टर्मिनल ब्लॉक में, ठीक है। फिर वहां से 2 आपका निकल रहा है, आपका सेकंड में जा रहा है 4 5 6 जैसे आपको दिख रहा है बीच में, और 7 8 9 तीन नंबर पे, तीन आपका यहाँ पर पोर्ट दिया हुआ यूपीएस पावर सप्लाई यहाँ कनेक्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक नंबर में बात कर लेता हूँ, एक नंबर पे आपका क्या दिया हुआ ये देखिए, इसे थोड़ा मैं जूम करता हूँ। तो जूम करने के बाद यहाँ पर 230 वोल्ट आपका एसी जो है आपका 50 हर्ट्ज का है, ये लाइट न्यूट्रल कनेक्शन होगा, ट्रांसफार्मर है यहाँ पर, और यहाँ से आपका जो है आउटपुट निकल रहा है जो टर्मिनल ब्लॉक से है यहाँ पर आपका दिया हुआ 24 वोल्ट, यहाँ पर पावर सप्लाई निकल रहा है, एक आपका हो रहा है फेज पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव। उसके बाद जो है आगे में चला गया है जो न्यूट्रल है ये सीधा लेके गया है न्यूट्रल लिंक बना के, और आपका यहाँ पर 6 एम्पीयर का MCB और दिया गया है जो आपका 24 वोल्ट पावर सप्लाई है वहाँ कनेक्शन करने के लिए, ठीक है। MCB से फिर आउटपुट दिया, उसके बाद टर्मिनल ब्लॉक में दिया हुआ, टर्मिनल ब्लॉक से आपका फिर यहाँ पर देख लीजिए और आपका चला जा रहा है मॉडल में, यहाँ से एक नंबर से आपका पहला मॉडल में आया है, फिर दूसरा में गया है, फिर उसके बाद और आगे चला गया है, ठीक है। तो उसका दिया नहीं है, अभी नेक्स्ट वाला यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे पहला वाला हो गया, अब दूसरा वाला जो है आपका 4 5 6 है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर दिया हुआ और एक, ठीक है। यहाँ पर भी आपका जैसे निकल रहा है, निकालने के बाद ये देखिए 24, ये जो है सेंसर के लिए एक्चुएटर जो है ये आपका देने के लिए, और आपका नेक्स्ट मॉडल जो है एक्चुएटर और नेक्स्ट मॉडल देने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका टर्मिनल ब्लॉक से सीधा निकाल रहा है, ये भी आपका 6 एम्पीयर का MCB दिया गया है, उसके बाद निकाल रहा है। फिर आपका 7 8 9, ठीक है, 7 8 9 जो है यह हमारा केबल सीधा चला जा रहा है आपका 6 वोल्ट जो है 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई है वहाँ पर दिया गया, और उसका आउटपुट जो है 24 वोल्ट का आउटपुट जो है निकल रहा है, 230 इन हो रहा है, 24 वोल्ट आउट हो रहा है। उसके बाद आपका सीधा चला जा रहा है ये आपका
ऊपर तरफ होते हुए यहाँ पर आ गया आपका जैसे टू नेक्स्ट मॉडल में जाएगा। यहाँ पर आपका पावर सप्लाई चाहिए 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इधर भी वही लूप को लेके आया है हमारा, इस तरफ जो है फील्ड साइड जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ फील्ड साइड टर्मिनल डिटेल्स, ठीक है, यहाँ दिया गया। उसके बाद आगे में और चला गया, यहाँ भी गया टू नेक्स्ट मॉडल, ठीक है। तो डीसी पावर सप्लाई एसएमपीएस से यहाँ दिया गया है और ऊपर में भी दिया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फील्ड में हमारा क्या क्या यूनिट दिया गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरफ से देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, तो मॉडल को थोड़ा घुमाता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, कूलिंग कॉयल एयर ऑफ कॉयल टेम्परेचर ट्रांसमीटर, ठीक है, ये आपका सबसे पहले कनेक्शन होगा ऊपर वाला का, ठीक है। उसके बाद जो है सप्लाई या टेम्परेचर ट्रांसमीटर, फिर आपका सप्लाई या फ्लो या वेलोसिटी ट्रांसमीटर, फिर आपका सप्लाई या प्रसार ट्रांसमीटर, ये हो गया ऊपर का मॉडल का। और इसका नीचे में यहाँ पर देख लीजिए, नीचे में जो आपका क्या क्या कनेक्शन होगा, आउटडोर वेलोसिटी ट्रांसमीटर, ठीक है। उसके बाद आपका एचआरडब्ल्यू आउटडोर टेम्परेचर मॉनिटरिंग, उसके बाद एचआरडब्ल्यू डिस्चार्ज ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग, उसके बाद कूलिंग कॉयल एयर कॉयल टेम्परेचर मॉनिटरिंग। तो ये आपका एक मॉडल का हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉडल में क्या क्या दिया है ये भी चलिए देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल में आपका यहाँ पर जैसे नंबर पे दिया हुआ आपका एग्जस्ट एयर टेम्परेचर मॉनिटरिंग, ठीक है। दो नंबर पे आपका एग्जस्ट एयर ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग, तीन नंबर पे आपका एचआरडब्ल्यू डिस्चार्ज टेम्परेचर मॉनिटरिंग, चार नंबर पे आपका एचआरडब्ल्यू डिस्चार्ज ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग, ये ऊपर का हो गया। अब नीचे में भी चलते हैं, इसका क्या क्या दिया हुआ है। जैसे नीचे में यहाँ पर देख लीजिए, एचयू रिटर्न एयर टेम्परेचर मॉनिटरिंग, एचयू रिटर्न एयर CO2 मॉनिटरिंग, एचयू रिटर्न एयर ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग, रिटर्न एयर फ्लो एयर वेलोसिटी मॉनिटरिंग। तो ये हो गया दो नंबर आपका मॉडल फिनिश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दो ही मॉडल था, उसके बाद नीचे में और है, ठीक है। तो और यहाँ पर जैसे और भी है, एक दो तीन चार पाँच और है, तो सात मॉडल था, तो सात मॉडल का यहाँ दिया हुआ। तो फिर से यहाँ पर देख लीजिए आपका पहले ऊपर वाला का चेक कर लीजिए, ठीक है। ऊपर तो ऊपर वाला में दिया हुआ जैसे सप्लाई फ्लो एयर वेलोसिटी ट्रांसमीटर, ठीक है, उसके बाद सप्लाई एयर प्रेशर ट्रांसमीटर, फिर रिटर्न एयर फ्लो एयर वेलोसिटी ट्रांसमीटर, फिर एच यू रिटर्न एयर टेम्परेचर मॉनिटरिंग, ये हो गया एक मॉडल का। और इसका नीचे में भी चलिए देख लेते क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आउटडोर वेलोसिटी ट्रांसमीटर, उसके बाद कूलिंग कॉयल एयर ऑन कॉयल टेम्परेचर ट्रांसमीटर, कूलिंग कॉयल एयर कॉयल टेम्परेचर ट्रांसमीटर, सप्लाई एयर टेम्परेचर ट्रांसमीटर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद और इधर पे दिया हुआ जो है ऊपर का, ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें अभी कुछ भी नहीं दिया है। फिर आपका इधर आते हैं, तो यहाँ पर देखिए एच यू रिटर्न एयर CO2 मॉनिटरिंग, एच यू रिटर्न एयर ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग, एग्जस्ट एयर टेम्परेचर मॉनिटरिंग, एग्जस्ट एयर ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग, ठीक है। और उसके बाद ये साइड का जो इधर का जो है, इसमें आपका दो दिया हुआ आपका चिल्ड वाटर PICV फीडबैक, चिल्ड वाटर जो आपका पाइपलाइन का वाल्व है, कंट्रोल वाल्व है, ये आपका फीडबैक है, और उसका बगल में चिल्ड वाटर का कंट्रोल वाल्व का कंट्रोल है। उसके बाद दो आपका स्पायर और दिया हुआ है आपका। उसका नीचे में क्या क्या दिया है चलिए देख लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा और जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको पता चल रहा है, रीसर्कुलेशन मिक्सिंग मोटोराइज मॉड्यूलेटिंग डंपर फीडबैक, फिर रीसर्कुलेशन मिक्सिंग मोटोराइज मॉड्यूलेटिंग डंपर कंट्रोल, ये दोनों का जो है कंट्रोल एंड फीडबैक दोनों मिलेगा। फिर आउटसाइड एयर मोटोराइज मॉड्यूलेटिंग वॉल्यूम कंट्रोल डंपर फीडबैक, फिर उसके बाद आउटसाइड जो एयर मोटोराइज मॉड्यूलेटिंग वॉल्यूम कंट्रोल डंपर कमांड, ये दोनों का जो है कमांड एंड फीडबैक दिया हुआ है MBCD का। उसके बाद जो मैं और क्या क्या दिया है यहाँ पर देख लीजिए, जो रीसर्कुलेशन आपका मिक्स मोटोराइज मॉड्यूलेटिंग डंपर जो है फीडबैक, उसके बाद उसका आगे में आपका कंट्रोल, ये हो गया। उसके बाद आउटसाइड एयर जो मॉड्यूलेटिंग वाला जो है वॉल्यूम कंट्रोल डंपर MBCD का, ये आपका फीडबैक है, उसका बगल में जो है कंट्रोल है आउटसाइड वाला, उसका बगल में। और यहाँ पर देख लीजिए HU का दिया हुआ है, HU फायर कंट्रोल इनपुट आउटपुट जो मॉडल है उसका स्टेटस मिलेगा, ठीक है। फिर रिटर्न एयर MERV 8 फिल्टर स्टेटस मिलेगा, HRW एग्जस्ट एयर बाईपास मोटोराइज डंपर ओपन क्लोज फीडबैक मिलेगा, फिर आपका MBCD का जो है एग्जस्ट एयर का ओपन क्लोज डंपर जो है इसका भी फीडबैक है, और एक आपका HRW एक आपका एग्जस्ट पेन का था कि, फिर आपका HU LCP का मीन्स होता है लिंक कंट्रोल पैनल जो है ऑटो मैनुअल स्टेटस, फिर आपका HU LCP इनकमिंग ब्रेकर ट्रिप स्टेटस, फिर आपका सप्लाई एयर फिल्टर MERV 8 फिल्टर स्टेटस, फिर आपका HRW बाईपास एयर मोटोराइज ऑन ऑफ वॉल्यूम कंट्रोल डंपर का फीडबैक है, ठीक है। ये हो गया इस मॉडल का ऊपर का। अब नीचे में इसका चलते हैं क्या क्या दिया हुआ है, नीचे में इसका क्या क्या दिया हुआ है चलिए देखते हैं, ठीक है। आपका HU LCP पैनल ऑटो मैनुअल स्टेटस, HU LCP इनकमिंग ब्रेकर ट्रिप स्टेटस, सप्लाई एयर फिल्टर RV8 फिल्टर स्टेटस, HRW बाईपास एयर मोटोराइज ऑन ऑफ वॉल्यूम कंट्रोल डंपर फीडबैक, और उसके बाद सप्लाई एयर फिल्टर MERV 14 फिल्टर स्टेटस, फिर आपका कैटालाइटिक एयर क्लीनर अलार्म कॉन्टैक्ट ट्रिप स्टेटस, उसके बाद कैटालाइटिक एयर क्लीन करंट सेंसर ऑन ऑफ स्टेटस, फिर सप्लाई एयर फिल्टर 3 MERV आपका 11 फिल्टर स्टेटस, ठीक है। तो ये सारा आपका एक DDC पैनल से आपका लगभग 2 HU दिया हुआ है, तो 2 HU को कंट्रोल करने के लिए इतना सारा आपका पॉइंट दिया हुआ, नीचे में आपका और दिया हुआ पॉइंट, ठीक है। लेफ्ट साइड जो है हमारा और एक पॉइंट दिया हुआ, तो इसे भी आपको चेक करा देता हूँ क्या क्या पॉइंट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फायर डंपर का खाली दिया हुआ, फायर डंपर आपका स्टेटस जो है ये सब DI पॉइंट है, फायर डंपर का 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ आपका फायर डंपर है, तो आठ आपका फायर डंपर का स्टेटस दिया गया सभी का आठ का। नीचे में आपका जो है सप्लाई या फिल्टर का जो MERV 14 का स्टेटस है, फिर आपका
कैटालिक आपका एयर क्लीनर एलार्म कॉन्ट्रैक्टिव स्टेटस, फिर आपका कैटालिक एयर क्लीनर ऑन ऑफ स्टेटस, फिर आपका सप्लाई एयर फिल्टर एम आर पी फिल्टर स्टेटस, एच यू फायर कंट्रोल इनपुट आउटपुट मॉडल स्टेटस, रिटर्न एयर यहाँ भी फिल्टर स्टेटस, फिर आपका एच आर डब्ल्यू एग्जस्ट एयर बाईपास मोटराइज डंपर ओपन क्लोज फीडबैक, फिर आपका एग्जस्ट एयर डक्ट मोटराइज डंपर ओपन क्लोज फीडबैक। तो टोटल आपका दो एच यू में और उसके बाद एच आर डब्ल्यू जो दिया हुआ है, तो इतना पॉइंट हो जा रहा है। ठीक है, टोटल आपका दो एच यू में कितना मॉडल है आपका ये देख लीजिए और पॉइंट कितना दिया गया है ये भी आपको सारा जानकारी दिया हूँ। तो इंडिया में बात करें तो अगर तो आपका स्नाइडर, सीमेंस, जॉनसन कंट्रोल, हनीवेल, हनीवेल को ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलता है और आपका सीमेंस को, उसके बाद जॉनसन कंट्रोल, फिर आपका स्नाइडर। तो ये अप डाउन होते रहता है मार्केट, कोई आगे गया इस साल, कोई उस साल आगे जाता है। तो अभी तो जो है मार्केट में ज़्यादा काम मिला है सीमेंस को, तो सीमेंस के बारे में ये वीडियो आपको जानकारी दिया हूँ।